जनपद संभल के चंदोस में भाजपा के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भाजपा जिलाध्यक्ष ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जनपद संभल के चंदोसी में आज स्टेशन के सामने बनी मुखर्जी चौक पर भाजपा के जिलाध्यक्ष ओम वीर सिंह खडागवंशी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पुष्प अर्पित किए। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक देशभक्त और स्वाभिमानी राष्ट्रवादी थे और उन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। एक मजबूत और एकजुट भारत के लिए उनका जुनून हमें प्रेरित करता है और हमें 130 करोड़ भारतीयों की सेवा करने की ताकत देता है। बलिदान दिवस पर पुष्प अर्पित किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रखर राष्ट्रवादी व्यक्ति थे और वही ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने पूरे संपूर्ण भारत के लिए, जब देश का बंटवारा भी हो गया उसके बाद कश्मीर में जो दो विधान, दो निशान, दो प्रधान लागू थे, उनको बिना परमिट के उन्होंने कश्मीर में जाकर वो बलिदान हुए। उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, देश में एक ही निशान रहेगा। आज उसके बाद उन्होंने जनसंघ की स्थापना की 1951 में और लगातार फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अडवाणी जी, अटल जी, सब लोग इसी विचारधारा को लेकर चले और आज क्या वो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना हो, दीनदयाल जी का हो, श्रद्धेय अटल जी का हो, उस सपने को आज श्रद्धेय मोदी जी ने और आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में धारा 370 और 35A हटाने का काम हुआ। उसके बाद पहली बार, हर साल मनाते थे लेकिन उनका जो सपना था वो साकार हुआ, पूरे देश में खुशी की लहर है और उनका आज बलिदान दिवस है, इसलिए हम उनके पुष्प अर्पित कर माला कर अर्पण कर उनके सपना साकार होने को सब भारतवासियों को गर्व है, इसलिए आज उनके बलिदान दिवस को हर्षोल्लास के साथ हम सब लोग मना रहे हैं। आज सबको पता है, मीडिया के माध्यम से भी सब देख रहे हैं कि इसका भारत मुँह तोड़ जवाब दे रहा है। माननीय गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी ने सबने कहा है कि हम इसका मुँह तोड़ जवाब देंगे। पूरी सीमाओं पर हमारे जवान तैनात हैं, हम किसी भी स्थिति में कमज़ोर नहीं है। अब वो भारत नहीं है जो पहले भारत था, वो 1920 का भारत है। श्रद्धेय मोदी जी के नेतृत्व में भारत की कमान है। आप देख रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, अनेक बारी जो बार हुए हमने मुँह तोड़ जवाब दिया है और उसका भी मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं।